हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आपके साथ कुछ म्यूचुअल फंड रिलेटेड डेटा के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का वेबसाइट है, बहुत ही नॉलेजेबल वेबसाइट है। इसके डिटेल्स भी मैं कभी कवर करूँगा। तो इसकी वेबसाइट पे अगर आप रिसर्च इन इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्री ट्रेंड्स करके एक डेटा है, ब्रॉड लेवल दिया हुआ है। तो वो रिपोर्ट एक छोटा सा 6 पेजेस का रिपोर्ट है, मगर बहुत ही ल्यूसिड और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, पिछले 1 साल की, मतलब नवंबर टू नवंबर तक की। तो मैं उस पर कुछ बात करूँगा आपके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो हाईलाइट्स है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा, और मेरा अंडरस्टैंडिंग उससे रिलेटेड जो है वो ओके। ये नवंबर 17 को 22.73 ट्रिलियन टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट था। ये म्यूचुअल फंड के बारे में सब मिला के, मतलब डेप्ट म्यूचुअल फंड, उसके बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड, आर्बिट्रेज एंड ऑल सब फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो 22 ट्रिलियन, मतलब जो रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किए थे इंडियन मार्केट में, इंक्लूडिंग जो बड़े हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स, सब मिला के 22 था। तो एक साल में वो पिछले अगस्त में जब बुल मार्केट हाईएस्ट लेवल पे था, निफ्टी लगभग 11,000 टच करने वाला था, तब ये 24 ट्रिलियन तक चला गया था, मतलब लगभग 2 ट्रिलियन ऐड हो गए थे इसके अंदर। और रिसेंटली ये जो दो, उसमें से लगभग 1 से 1.5 ट्रिलियन ड्रॉप आया, क्योंकि रिसेंटली जो मार्केट में फॉल आया था नवंबर दिसंबर के पहले, तो तब बहुत सारे लोगों ने उनका इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया, या फिर कॉरपोरेट रिटेल, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड में से। तो वो अभी फिर भी कंपेयर टू लास्ट ईयर 22 ट्रिलियन के कंपेयर में 23 ट्रिलियन, लगभग 1 से 1 ट्रिलियन पकड़ के चल सकते हैं, लगभग 0.8 ट्रिलियन लगभग ग्रोथ हुआ है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में, यहाँ पे वो दिया हुआ है ओके। ये एक बहुत ही अच्छा छोटा सा कंपोजिट रिपोर्ट है एम्फी का ओके। ये दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है, ये ब्रेकअप दिया हुआ है नवंबर से लेकर, नवंबर 2017 से लेकर नवंबर 2018 तक म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप था, लोगों ने किस में इन्वेस्ट किया था। तो बेसिकली यहाँ पे 4 कैटेगरीज दिखाई हुई। पहला डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स, जो बॉन्ड वगैरह फंड होते हैं उसमें ओके। दूसरा है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, ये बेसिकली जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं 60-80% ये स्कीम्स। और तीसरा जो ETFs, मतलब जो इंडेक्स में या फिर पर्टिकुलर गवर्नमेंट के जो ऐसे गवर्नमेंट के 4-5 मिक्स्ड का ETF जो बनता है, वैसे स्कीम्स वगैरह वो सब, और फंड ऑफ फंड्स में जो दूसरे फंड में इन्वेस्ट करने वाले इनडायरेक्ट फंड्स होते हैं उनके। और चौथा जो है लिक्विड और मनी मार्केट में, मतलब बेसिकली जो 90 डेज़ या 180 डेज़ वाले जो बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो लिक्विड पेपर्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इनको डेप्ट के जैसे ही ट्रीट करते हैं, मगर ये बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, ओवरनाइट होते हैं, 1 डे, बिलो 90 डेज़ या फिर 180 डेज़ होते हैं, तो इसलिए उनको सेपरेट लिक्विड कहा जाता है ओके। तो अगर आप नवंबर 2017 में देखें तो 39% लोगों ने लगभग डेप्ट में इन्वेस्ट किया था। तो वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होते 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 पिछले नवंबर 2018 तक 29% तक आ गया, मतलब लगभग 10% का ड्रॉप आया बॉन्ड या फिर डेप्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट में। और वो सब पैसा अगर आप कहेंगे तो शिफ्ट हो गया है किसमें, लिक्विड फंड में, जो शॉर्ट टर्म मनी होता है मार्केट में लिक्विड में, या फिर ETF में, और इक्विटी में। तो इक्विटी में तो आपको पता ही है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लो चल रहा है, तो वो उसमें एक शिफ्ट हुआ है। और दूसरा लिक्विड फंड में, लिक्विड फंड में शिफ्ट होने का रिसेंटली भी इसमें एक जंप आया है थोड़ा, 1-2% का, क्योंकि जब से आयरलैंड FS का इशू हुआ था तो डेप्ट ओरिएंटेड जो बॉन्ड फंड है उससे लोग हट के लिक्विड फंड में शिफ्ट हो गए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह इशू करता है ओके। और यहाँ पे थर्ड पेज है जो कि कवर करता है इन्वेस्टर टाइप वाइज कंपोजिशन ऑफ म्यूचुअल फंड एसेट ओके। ये नवंबर 2017 का है और ये नवंबर 2018 का। इसके अंदर ब्लू कलर का जो इंडिकेटर है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, और जो रेड है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दिखाया हुआ है। तो नवंबर 2017 में 48% लगभग इंडिविजुअल थे, तो वो बढ़ गए हैं, अभी 54 हो गए। और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे वो 50% से आधे से ज़्यादा थे थोड़ा सा, तो वो अभी थोड़ा 46% पे कम हो गए। तो ये एक्चुअली एक ध्यान देने जैसा ट्रेंड है। इसमें दो कंक्लूजन सोचने जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कम हो गए हैं, जो फॉरेन वगैरह इन्वेस्टर्स थे,
तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो बढ़ ही रहा है, वो तो सबको पता है कि इंडिविजुअल लोग बहुत सारे पार्टिसिपेट करने लगे अभी शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू। ओके, चौथा पेज जो है वो बताता है कि इन्वेस्टर के कैटेगरीज हैं अलग अलग, जो टाइप मैंने ऊपर बताए, डेब्ट फंड, इक्विटी फंड, लिक्विड फंड और ETF में। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि इंडिविजुअल लोग जो हैं वो डायरेक्ट शेयर्स वाले फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उनका म्यूचुअल फंड थ्रू, और जो इंस्टीट्यूशनल है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका लिक्विड और मनी मार्केट के थ्रू बॉन्ड में वगैरह जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कम रिस्क उठा रहे हैं और इंडिविजुअल जो हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड के थ्रू ज़्यादा रिस्क उठा रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने जैसी है। हालांकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बिजनेसेस वगैरह होते हैं तो उनके पास रिस्क होता है, मगर म्यूचुअल फंड के थ्रू फ़िलहाल इंडिविजुअल ज़्यादा रिस्क के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा कह सकता हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ओके, और डेब्ट ओरिएंटेड फंड में दोनों भी लगभग बराबर है, और ETFs में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, खास करके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको ज़्यादा वोलेटिलिटी पसंद नहीं होती है, तो फिर वो ETFs में जो इंडेक्स फंड होते हैं या फिर गोल्ड ETF होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा गोल्ड ETF का भी होता है जिसमें गोल्ड में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, और फिफ्थ पेज है कंपोजिशन ऑफ इन्वेस्टर्स होल्डिंग्स दिखा रहा है। ओके, टोटल इन्वेस्टर्स होल्डिंग दिखाया, इंस्टीट्यूशनल का एक दिखाया हुआ है यहाँ पे और एक इंडिविजुअल का दिखाया हुआ है। इंडिविजुअल के अंदर मैंने जैसे कि कहा 68% का मेजॉरिटी जो हिस्सा ये ग्रीन कलर से जो दिखाया हुआ है ये इक्विटी में है, शेयर्स में जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं 60-80% आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स। ओके, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका लिक्विड मनी, शायद ये उनके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए पैसे लगते होंगे या फिर अलग रीज़न हो सकते हैं, वो जानने चाहिए, तो उनमें लिक्विड फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और ETFs में 35%। तो आप देख सकते हैं जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो लिक्विड फंड में, और जो कम वोलाटाइल या फिर जो स्टेबल रिटर्न देते हैं ऐसे इंडेक्स फंड में या फिर ETF में, गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं, और इंडिविजुअल है म्यूचुअल फंड के थ्रू रिस्क को एक्सपोज करना चाहते हैं खुद को, और डेब्ट ओरिएंटेड फंड में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, मगर उनका ETF में और लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है या फिर है पिछले एक साल में, ऐसा कह सकते हैं। ओके, और एक ग्रोथ इन एसेट्स है टोटल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और टोटल ग्रैंड टोटल दिया हुआ, येल्लो वाला लास्ट दो नवंबर 2017 का है और ब्लू वाला जो है पर्शियन ब्लू वो नवंबर 2018 का लेटेस्ट है, तो इसके अंदर थोड़ी सी बढ़त हुई है जो टोटल है, मगर इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल में ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल में ग्रोथ हुआ है और इंस्टीट्यूशनल में ड्रॉप हुआ है, तो उनके टोटल मिला के जो इंस्टीट्यूशनल का शॉर्टेज था उसको इंडिविजुअल ने कंपेंसेट किया है, ओवरऑल ग्रोथ ही आप पकड़ सकते हैं एसेट में। ओके, तो ये एक छोटा सा रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट के लिए मैं बहुत थैंक यू करता हूँ एम्फी को, ये रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक डोमेन में सबके लिए अवेलेबल रखा हुआ है, आप भी उनके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। एम्फी पे बहुत सारा एक्चुअली डेटा है, ये वेबसाइट को डिटेल में मैं कवर करूँगा किसी वीडियो में, और ये मैं आपको दिखाना चाहता था, ये जो बटन है शेयर मार्केट फ्रेंड का, यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का बटन है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, लाइक डिसलाइक पे क्लिक करके आप आपका ओरिएंटेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस वीडियो, और ये जो शेयर बटन है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक लिंक आता है, अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो लिंक डायरेक्ट जनरेट हो जाएगा, और मोबाइल PC में देख रहे हैं तो डायरेक्टली आप उसको कॉपी करके लिंक को वीडियो के ऊपर जो लिंक है अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे वगैरह शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे वो लिंक है। और थैंक यू फॉर लिसनिंग शेयर मार्केट फ्रेंड, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया वो आप चेक कर सकते हैं, और रिसेंटली भी मैंने इंडिया विक्स पे और रैंक MF पे वेबसाइट चेक के लिए वीडियो बनाया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग शेयर मार्केट फ्रेंड।